नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में एक चुटकुला, एक जोक बहुत वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी अपनी माँ को होली के दिन एक श्लोक भेज रहे हैं। इस श्लोक में लिखा हुआ है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। वैसे तो दीपावली को दिया जाता है, लेकिन सोनिया गांधी ने पूछा कि भाई अभी क्यों भेज रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो राहुल गांधी लिखते हैं कि माँ तुम सो रही थी और ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़ के चला गया। लोग राहुल गांधी की मूर्खता पे हंस रहे हैं, राहुल गांधी की करतूतों पे हंस रहे हैं। और ये 100% सच्ची बात है कि राहुल गांधी की इमेच्योरिटी, उनका जो मूर्खतापूर्ण तरीका है पार्टी को चलाने का, राजनीति को समझने का, उस वजह से कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा झटका लगा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरह की घटना कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यदा कदा हुई है कि जब आपका सबसे कद्दावर चेहरा, पॉपुलर मास लीडर, जिसकी वजह से आप मध्य प्रदेश के चुनाव को आप जीतने में सक्सेसफुल रहे थे, वो आपकी पार्टी को छोड़ गया है। और ऐसे वक्त पे छोड़ गया है जब पार्टी को लीडर्स, कार्यकर्ता और रिग्रुप होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर इसे अगर बीजेपी से जोड़ करके अगर देखें तो ठीक ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ने का ठीक पैरेलल वैसा ही है कि आज अगर नड्डा साहब के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह बीजेपी को छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएं तो जो नुकसान होगा पार्टी का, बीजेपी का, ठीक वैसा ही नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार की मूर्खता, उनकी इमेच्योरिटी, राजनीति को समझ नहीं पाने का, और एक नेशनल पार्टी को अपने घर का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की जो आदत थी, उस वजह से ये झटका पड़ा है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबको पता था। कैपिटल टीवी ने 2 महीने पहले ही इस बात पे कम से कम हमने 3 स्टोरीज की थी कि ज्योतिरादित्य कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं। और क्यों जाने वाले हैं उसकी 2-3 वजहें बिल्कुल साफ है। पहली बात ये कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना चाह रहे थे। और राहुल गांधी पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस वक्त क्या बोल देते हैं, कब वो अपनी ही कई बातों को भूल जाते हैं, किस नेता से वो क्या प्रॉमिस करते हैं, कुछ दिनों के बाद उस प्रॉमिस को ही भूल जाते हैं, नकार देते हैं। जब मध्य प्रदेश का विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं कि ये वजहों पे मैं आऊंगा, लेकिन एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिंधियाज और गांधीज के बीच में, उसको भी समझना जरूरी है। इनके पिता माधवराज सिंधिया, वो बहुत ही क्लोज दोस्त हुआ करते थे राजीव गांधी के, और वो अकेले ऐसे शख्स थे जो सोनिया गांधी को सोनिया कह के पुकारते थे। सोनिया जी कभी वो बोले नहीं, ना ही राजीव को, और कभी राजीव जी वो कहते थे। राजीव एक दोस्त की तरह वो मिलते जुलते थे, ठीक वैसे ही। और ये इन लोगों की जो परवरिश हुई है, ये लोग सब एक साथ, जिसको कह सकते हैं, बड़े हुए हैं और एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेला शख्स है कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो राहुल गांधी को उसके नाम से पुकारता है, राहुल। प्रियंका गांधी को भी प्रियंका कह के पुकारता है वो। ये बताता ये नहीं कि कोई बहुत, ये बताता है कि किस तरह की क्लोजनेस इन लोगों के बीच था। आप तस्वीरों को देख करके आपको समझ में आएगा। और आपके हाथ से इस तरह का पॉपुलर मास लीडर, जिसकी वजह से आप चुनाव जीत पा रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर में, वो आपने अपने हाथ से गवा दिया। और क्यों गवाया? क्योंकि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि यू टेक द लीड, सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बनती है तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को रिवाइव करने के लिए, पार्टी गर्त में जा चुकी थी, उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करना स्टार्ट किया। 150 के आसपास उन्होंने रैलियां की हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग छोटे छोटे गांव में, पूरे मध्य। बहुत सारे लोग अभी जो कांग्रेस पार्टी के दरबारी पत्रकार और दरबारी एनालिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं,
इनका तो बस एक दो जगह ही, गुना और ये जो भिंड का इलाका है, ग्वालियर का इलाका है, ये ठीक बस उसी जगह पे उनका जो है उनकी साख थी, उसके बाहर वो कोई नहीं जानता। गलत बात, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दोनों पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी हमने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, अलग अलग जगह पे गए। विधानसभा में तो लोग इस बात को कह रहे थे, लोग नाराज थे कि कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, और पूरा यूथ जो गल्वनाइज किया उन्होंने, वो अपनी रैलियों से पूरा मध्य प्रदेश वो घूमे और हर जगह अच्छा रिस्पांस मिला। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उनके अच्छे रिस्पांस का मतलब ये भी है कि ये सारे ये जो दीमक है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो अर्जुन सिंह का वो पूरा पुराना गैंग हो, इस तरह के बहुत सारे गैंग्स बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर में 4-5 अलग अलग गुट है। वो हमेशा ये चाहता था कि किस तरीके से सिंधिया के सारे कार्यक्रम को, रैलियों को फेल किया जाए, लेकिन एक अच्छा रिस्पांस मिला और नतीजे बेहतर आए और सरकार बन गई। सरकार जब बन गई तो तमाशा शुरू हो गया। जैसे ही सरकार बनी तो वही पुराना जो कांग्रेस पार्टी, जो गांधी परिवार के साथ ये दिक्कत ये है कि उनको कोई पोपलू चाहिए, एक ऐसा गुलाम चाहिए जो मुख्यमंत्री बनाया जा सके, जिसे उठने के लिए कहा जाए तो वो उठे, बैठने के लिए कहा जाए तो बैठे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उनके फॉर्मूले के हिसाब से वो मनमोहन सिंह नहीं बन सकते, वो गहलोत नहीं बन सकते कि आप उनको कहें कि भाई उठो तो उठ, बैठ तो बैठ। और ये क्यों? क्योंकि मैं आपको एक भीतर की बात, ये कोई नहीं बताएगा। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश की वजह से ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि सारा रिसोर्स का काम कि जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चल रही है, उसका रिसोर्स कहां से आएगा, ये कमलनाथ के कंधे पर डाल दिया गया। ये काम ज्योतिरादित्य नहीं करते और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक, चलिए भाई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, आपने समझा दिया होगा, आपने कुछ प्रॉमिसेस की होंगी, कुछ बात विचार आया होगा, हालांकि उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर भी पार्टी की गरिमा, अपने रिश्ते और इन सब चीज को वो पूरा उन्होंने खून का घूंट उन्होंने पी लिया। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के एक बातचीत हुई, बैठक हुई, सिंधिया ने साफ साफ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आदर तो मुझे चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए जैसा कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ काम किए हैं, उन्होंने एक शख्स का नाम बताया कि ये शख्स को, इस शख्स को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। कमलनाथ बोले नहीं। और तो और, जहां से सबसे बड़ा जो झटका उनको लगा वो ये लगा कि कमलनाथ तो चुप रहे, लेकिन एक स्टेप आगे ये राहुल गांधी की मूर्खता देखिए, मसला वहीं पे वो खत्म हो गया होता, लेकिन राहुल गांधी एक स्टेप आगे आकर के बोले कि अगर आपका कोई नुमाइंदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा तो कमलनाथ का एक और शख्स, उसका एक नुमाइंदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होगा। आप यह समझ लीजिए कि कमलनाथ का डिप्टी सीएम भी एक होगा और खुद सीएम भी बनेंगे, और इनको जो है, और चुनाव आप किसके भरोसे जीते हैं? आप ये बात उस शख्स के को कह रहे हो कि जिसे आपने कहा था कि चुनाव अगर सरकार बनेगी तो आप चीफ मिनिस्टर बनोगे, आप भूल जाते हो, पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं। और उसके बाद जब ये मसला खत्म हो गया तो भी बहुत उठा पटक वो चल रहा था पार्टी के अंदर। मैं आपको एक घटना बताता हूं, एक साल पहले की बात है, जब जैसे सरकार बन गई, इनके 5-6 लोग जो मंत्री जो भी इन लोगों ने रिजाइन किया है, ये सब के सब जो सिंधिया के लोग थे उनको आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, बिना किसी काम के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इसलिए ये लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। और जब इस बात की शिकायत हुई, बातचीत, तो दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेस वुमन के घर पर फिर से मीटिंग हुई, जिसमें ये सारी चीजों का राफ साफ होना था। इसमें कमलनाथ भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और सिंधिया जी भी थे। वो मीटिंग था क्या कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का। वहां पे सिंधिया ने साफ साफ कहा कि मैं कुछ भी कहता हूं मेरी बात को माना नहीं जाता,
किसी का ट्रांसफर है, किसी का कोई काम है, किसी का कुछ है, अगर मैं कह देता हूं जानबूझकर कि उस काम को नहीं किया दिया जाता है। और हुआ ये कि इन सारी बातों पे कमलनाथ ने कहा कि नहीं, जो आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद इस मीटिंग में नहीं थे। ये काम अगर सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने 10 जनपद के अंदर किया होता, मामला को सुलटा दिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। अब हुआ ये कि आपने किसी एक सोनिया गांधी के मित्र के घर पे आपने उसको जो है बिठा करके आपने सोचा कि इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और कमलनाथ के दम्भ ये है कि उसको पता है कि वो तो रिसोर्सेज भेज रहा है पार्टी के लिए, पार्टी को तो चला रहा है पूरे देश भर में, उसके लिए वो इंतजाम कर रहा है, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। और इसलिए ये जो जितनी मध्यस्थता का जो काम चला वो बैकफायर कर गया। मिलान के बजाय जो है और रिश्ते खराब हो गए। और जब रिश्ते खराब हुए तब उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया और इनको सीधे मध्य प्रदेश से ही हटा दिया गया। मैंने जिसकी जो भूमि है, जो कर्म भूमि है, वहां से उसको आपने हटा दिया। एक तरह से आपने सिग्नल दे दिया कि आपकी जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर में। कहां उस शख्स को मुख्यमंत्री बनना था, आपने उसको उस राज्य से ही बाहर फेंक दिया। कहां आपने उसे यूपी भेज दिया। यूपी कहां भेज दिया, तो आपने आधा पूर्वी इलाका जो है आपने प्रियंका गांधी के नाम कर दिया और आधा जो है आपने वेस्टर्न यूपी जो है, जहां वेस्टर्न यूपी में तो कांग्रेस पार्टी का कुछ है भी नहीं। तो ये कोई भी व्यक्ति राजनीति में यही समझेगा कि आपने बाकायदा सिंधिया को, उसकी पूरी साख को, उनकी पूरे रसूख को जो है जमीन में धसाने के लिए आपने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जहां उनका फेल होना 100% था। अच्छा ठीक है, आपने बना भी दिया। प्रियंका गांधी के साथ ये कुछ वहां पे उन्होंने काम धाम किया। प्रियंका गांधी के साथ दूसरा प्रॉब्लम, प्रियंका गांधी इनके साथ मिलकर तो काम कर रही थी, इनको पता नहीं था कि उनकी जो माता जी और उनके जो ब्रदर हैं राहुल गांधी, वो तो प्रियंका गांधी को ही फंसाने में जुटे हुए थे। सबको पता था कि यूपी में क्या होना है। आप चाहे चुनाव लड़ने लगे किस बात पे, और हुआ क्या, वहां पे जो लोकल लीडर्स थे वो भी नाराज हो गए। और तो और सुनिए, जब चुनाव खत्म हो गया इन्होंने अपना जो है रास्ता अलग कर लिया। आपने बनाया वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज, पूरा संगठन में तब्दीलियां आ गई और प्रियंका गांधी ने पूछा तक नहीं। अगर आपने उसको महासचिव बनाया है वेस्टर्न यूपी के लिए, तो वहां जो संगठन में जो बदलाव हो रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी तो कम से कम पूछा जाता। तो प्रियंका गांधी ने अपने मन से सब कुछ कर लिया और इनको पूछा तक नहीं, बातचीत भी नहीं, कोई राय तक नहीं। तो ये सिग्नल जो है प्रियंका गांधी ने दे दिया कि भाई क्या आपकी यूपी में भी जरूरत नहीं है, तो सिंधिया साहब की जरूरत मध्य प्रदेश में भी नहीं है। आपने यूपी का इंचार्ज बनाया, प्रियंका गांधी ने उनके साथ बेवफाई कर दी और वो वहां के भी नहीं रहे, तो वो क्या करते। इसलिए 2 महीने पहले कैपिटल टीवी हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि वो बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत जब शुरू हुई तभी कुछ जगह से ये खबरें आने लग गई कि उनका पूरा प्लान पुख्ता हो गया है, लेकिन जो विलंब हो रहा था वो बीजेपी की तरफ से हो रहा था। वो नहीं चाह रहे थे कि जिस तरह से अजित पवार की तरह एक्सीडेंट हुआ, वो उस तरह का एक्सीडेंट इस बार हो। और इसलिए जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको इस सारे कवायद से जो दूर रखा गया। इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व कौन हुए, तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की बातचीत भोपाल में हुई थी, सारा जो प्लान जो वहाँ तैयार हुआ था। और उसके बाद नड्डा साहब के घर में शादी थी, उस दौरान जब शिवराज सिंह चौहान पिछले वीक जब आए तो उन्होंने सारे लीडर्स के साथ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और भी बहुत सारे लोग वो थे, तब वहाँ पे बातचीत हुई। रिसेप्शन के बाद ये लोग दिल्ली में अलग बैठे, फिर ये लोग जा करके नड्डा साहब और अमित शाह जी से इन लोगों ने बातचीत की और उसके बाद ये सारा प्लान बना। और इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी इल्म होता, राहुल गांधी को अगर जरा सा भी राजनीति आती, तो वो एक्ट कर सकते थे। 1 साल, आप देखिए जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो सोनिया गांधी को, खुद भी नहीं देने गए,
अपने किसी शख्स को कह दिया कि 10 दिन पर तुम जाकर के दे आना। वो आदमी गया, उनके रिसेप्शन में धक्कर के चला आया। दशकों के रिश्ते जो हैं, सालों साल के रिश्ते, आपने इस तरह से हाथ से गवा दिया। पहला लाइन ही उन्होंने लिखा कि 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ये 1 साल से क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो मैंने आपको ये पूरी एक डिटेल मैंने बताया कि किस तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि आपने उनको तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों ने उन्हें फोर्स किया कि आपकी कांग्रेस पार्टी में जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, नहीं, उनसे कहा गया कि भाई आपकी जरूरत न मध्य प्रदेश में है, आपकी जरूरत न उत्तर प्रदेश में है, और ना आपकी जरूरत केंद्रीय पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर में है। तो कहने का मतलब यह कि सिंधिया को बकायदा दरकिनार कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन इमीडिएट मसला जब राज्यसभा का आया तो और भी स्थिति विस्फोटक हो गई। अब देखिए कितनी शातिर लोग हैं वहां। मध्य प्रदेश से 2 सीट आराम से कांग्रेस पार्टी के पास आएगा, एक आराम से जीतने के लिए, दूसरा उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अब सिंधिया चाहते थे कि वो पहला नाम डिक्लेयर कर दिया जाए और मसला खत्म हो जाए, लेकिन यहां क्या हुआ कि कमलनाथ ने एक दूसरी बाजी खेल ली, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बवाल मचा हुआ है, गांधी परिवार में आपस में सर फुटबॉल हो रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जाना चाह रही थी और प्रियंका गांधी का नाम कमलनाथ ने गांधी परिवार के सामने रख दिया कि अगर प्रियंका गांधी जाना चाहती है तो वो मध्य प्रदेश की सीट, जो सिक्योर्ड सीट है पहली वाली, वो उसमें जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे सिंधिया नहीं, वो नंबर खाली हो रहा है दिग्विजय सिंह का। इसलिए देखिए दिग्विजय सिंह इसमें, इस पूरे खेल में जो है वो घुसे हुए हैं। तो यहां से भी आपने उसको मना कर दिया, और कम से कम प्रियंका गांधी जो बचपन से साथ में लोग रहे हैं उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि, जबकि 1 साल से मालूम है कि वो नाराज चल रहे हैं, 1 साल से वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको उनकी अनदेखी हो रही है, ही इज नॉट गेटिंग वॉट ही डिजर्व्स, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की मैच्योरिटी अगर होती जरा से भी तो वो सामने आती है और उसको रेस्क्यू कराती है। लेकिन सब लोग तो अपने अपने फिराक में बैठा हुआ है, तो हर आदमी सत्ता, हर आदमी पावर, हर आदमी अपने रसूख के चक्कर में फंसा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, ये तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहां तो होगा वही जो गांधी परिवार के लोग कहें, चाहे वो गांधी परिवार का जो युवराज जो है वो कितना भी दिमाग से पैदल क्यों ना हो। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।